नेक्स्ट आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, a प्लस बी होल पावर 4 माइनस ए माइनस बी होल पावर 4। सबसे पहले इसको क्या करना है मेरे को, सॉल्व करना है और हैंस इवेल्यूट, और इसके बाद ऐसे ही टर्म में जो है वो कुछ ना कुछ एक दिया हुआ है उसको क्या करना है, इवेल्यूट करना है। अच्छा, जब एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आगे लिखा गया है, रूट थ्री प्लस रूट टू होल पावर 4 माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू होल पावर 4। तो कहीं कुछ नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसमें a या b के टर्म में ही आएगा, तो कहीं ना कहीं वहां से a और b के जगह पर जो है हम लोग इसको पुट कर देंगे, हमारा सवाल जो है वो बन जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लोग ब्रेक करते हैं, ये पावर 4 है तो लिखेंगे 4c0 a पर पावर 4 इंटू बी पे पावर 0 प्लस 4c1 a पर पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2 a पे पावर 2 एंड b स्क्वायर 4c3 a पे पावर 1 इंटू बी पे पावर 3 है ना। फिर लिखेंगे 4c4 a तो खत्म हो जाएगा यहाँ पर और b पे पावर खाली क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं 4c। अच्छा हाँ, माइनस वाला तो छोड़ ही दिया मैंने, माइनस वाला भी आएगा ना, माइनस। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये होगा 4c0 a पर पावर 4 माइनस 4c1 a पे पावर 3 इंटू बी प्लस 4c2, चूंकि यहाँ पे 1 है तो माइनस होगा, 2 है तो प्लस होगा। ठीक है ना, मैंने बताया है आप लोगों को याद रखने के लिए, 2 है तो प्लस होगा। फिर उसी तरह से जब आएगा ये 4c3 तो माइनस होगा, और जब ये आएगा 4c4 तो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। यहाँ पे कितना होने वाला है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा, ए पे पावर 1 एंड बी पे पावर 3, यहाँ आएगा बी टू दी पावर 4 आएगा। ठीक है, बी टू दी पावर 4 आएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए जब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो 4c0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और ये आएगा a टू दी पावर 4, और b का v टू दी पावर 0 का वैल्यू भी कितना हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है, प्लस 4c1 का वैल्यू तो 4 होने वाला है, 4a³b प्लस 4c2 का वैल्यू कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, 2 होने वाला है, 2 6 होने वाला है, तो ये हो गया 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे 4c3 को तो ये आएगा 4c3, जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4, तो ये हो गया 4ab³, और जब इसको सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा, और b पे पावर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a टू दी पावर 4 माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाने वाला है 4 इंटू a³b, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 6a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और जब यहाँ पर ये सॉल्व होगा तो ये आएगा माइनस 4ab³, और ये आएगा प्लस b टू दी पावर 4। ठीक है, तो इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। अब आगे देखिए, a पर पावर 4 प्लस 4ab³ प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab³, और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा b टू दी पावर 4 माइनस a पर पावर 4, यहाँ हो जाएगा माइनस से ये इंटू होगा तो ये प्लस बन जाएगा 4a³b, और इस माइनस से यहाँ इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और जब यही माइनस से जब यहाँ इंटू होगा तो ये बन जाने वाला है प्लस 4ab³, और जब इस माइनस से जब वहाँ इंटू होगा तो ये हो जाएगा माइनस b टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो a टू दी पावर 4 a टू दी पावर 4 दोनों क्या हो गया, कैंसिल, b टू दी पावर 4 b टू दी पावर 4 दोनों क्या हो गया, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और कहीं कोई दिक्कत है, देख लो ढंग से। हाँ बिल्कुल, ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर और यहाँ भी 6a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ जो बच गया है वो बच गया 4a³b, यहाँ भी 4a³b, तो 4 और 4 8 हो गया, तो 8a³b बच गया, और यहाँ देखिए ये है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो 4ab³ और 4ab³, तो ये हो गया प्लस 8ab³। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन का वन पार्ट सॉल्व। अब दूसरा जो पार्ट इसमें कहा गया है 11 नंबर में, वो कहा गया है कि आप
इसी के सहारे आप रूट थ्री प्लस रूट टू, इसका क्या है मेरा पावर फोर है, और माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू टू दी पावर फोर को निकालिए। ठीक है, तो जब सेम फॉर्मेट लिखिए सेम है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए पूरा फॉर्मेट को, तो क्या आता है एट ए क्यूब बी प्लस एट ए बी क्यूब। तो बस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसका भी क्या आएगा, तो एट आएगा ए क्यूब बी, तो ए का क्यूब मीन्स की रूट थ्री का क्यूब करेंगे, तो रूट थ्री का अगर क्यूब होगा तो क्या होगा मेरा बताइए, तो थ्री रूट थ्री होगा, थ्री रूट थ्री, या फिर आप यू यू लिख लीजिए एट ए क्यूब, तो ए कितना है रूट थ्री इसका क्यूब हो गया, इंटू में बी, बी कितना है रूट टू हो गया, प्लस एट है एट डाल दिए, ए ए कितना है रूट थ्री, और इंटू में है बी का होल क्यूब, तो बी कितना है रूट टू, और इसका आ जाने वाला है यहाँ पर क्यूब। जब इसको सॉल्व करिएगा ये आ जाने वाला है एट इंटू थ्री रूट थ्री इंटू रूट टू, और इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा एट रूट थ्री इंटू, इसको जब सॉल्व करिएगा तो टू रूट टू आ जाने वाला है। यहाँ देखिए ट्वेंटी फोर रूट सिक्स आ गया यहाँ पर, थ्री टू जो सिक्स, और प्लस यहाँ आ गया सिक्सटीन रूट सिक्स, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी रूट सिक्स, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फोर्टी रूट सिक्स ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट करिए।